इस साल दीपों का उत्सव दीपावली का त्यौहार 12 नवंबर को मनाया जाएगा। हर साल कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली मनाई जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी भगवान गणेश की पूजा का विधान है। इसके अलावा माता सरस्वती, माँ काली और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिस भक्त से वे प्रसन्न होती हैं उन पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। ऐसे में धन की देवी लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहें इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। इसमें घर सजाने से लेकर पूजा विधि तक शामिल होता है। माँ लक्ष्मी साफ सुथरे और सुंदर घर के साथ खुशहाल परिवार से भी अत्यंत आकर्षित होती हैं। इसे दीपावली के दिन क्लेश से दूर रहना चाहिए, घर को व्यवस्थित रखना चाहिए। इसके अलावा लक्ष्मी पूजा यानी दिवाली की रात कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र की पूजा भी करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इन दिनों में यंत्रों की सही पूजा विधि क्या है। लक्ष्मी यंत्र की पूजा विधि क्या है इसको ध्यान से सुनिए। धनतेरस पर खरीदे गए लक्ष्मी यंत्र को आज शाम को दिवाली पूजा के समय मां लक्ष्मी के सामने रखिए। अगर आप किसी कारणवश धनतेरस के दिन यंत्र नहीं ले पाए हों तो आज भी ला सकते हैं, यानी कि दिवाली के दिन। इस यंत्र को देवी मां के सामने रखकर लक्ष्मी पूजा के साथ ही इसकी भी विधिवत धूप दीप आदि से पूजा करें और यंत्र को सिद्ध करने के लिए लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मये नमः। लेकिन अगर आपको इस मंत्र का जप करने में कठिनाई महसूस हो तो केवल श्रीम ह्रीम श्रीम मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि देवी माँ का एकाक्षरी मंत्र तो श्रीम ही है। साथ ही ध्यान रहे कि लक्ष्मी के मंत्र जप के लिए स्वटिक की माला को सर्वोत्तम बताया गया है। कमल गट्टे की माला का भी आप यहाँ पर उत्तम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं हैं तो रुद्राक्ष की माला पर भी आप जप कर सकते हैं। इस प्रकार दिवाली के दिन सिद्ध किए गए लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके धन की तिजोरियाँ हमेशा भरी रहती हैं और आपके बिजनेस की आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी हो जाती है। अगला सुन लीजिए, कुबेर यंत्र की पूजा विधि क्या है। शाम को दिवाली पूजा के समय लकड़ी के पाटे पर कुबेर यंत्र भी रखिए और उसकी विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा कीजिए। साथ ही मंत्र महारणव में दिए कुबेर जी के 16 अक्षरों के मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र है ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। दीपावली के दिन मंत्र को कम से कम 51,000 बार जप करके यंत्र को सिद्ध कीजिए और अपने घर में स्थापित कीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और धन की असीम वर्षा होगी। इस वीडियो को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। किसी की आप जिंदगी बचा सकते हैं और किसी की जिंदगी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।